हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से यूजीसी नेट से रिलेटेड जो है रिसर्च एप्टीट्यूड टॉपिक से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आपके लिए लाए हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है ये रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि पेपर वन और जो है पेपर टू का जो है हम लोग जो है बारी बारी से डेली डिस्कस करेंगे, ताकि आगामी दिसंबर के एग्जामिनेशन में जो कि यूजीसी नेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तैयारी अच्छी तरह से हो सके। तो आज स्टूडेंट हम लोग यूजीसी नेट के इस क्लास में जो है हम लोग जानेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड का एक डिस्कशन क्लास जो है हो चुका था, जिसमें कि आपको जो है 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में रिसर्च एप्टीट्यूड से बताया गया था, ठीक है। और उसका जो है लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि आप जो है जो छूटा हुआ 10 क्वेश्चन है वो भी आप देख सके, ठीक है, क्योंकि आपके लिए हर एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट, आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि रोजाना आपको यूजीसी नेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो है वीडियो आपको आप तक मिल सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम जो है स्टार्ट करेंगे यानी कि आगे से। तो हमारा क्वेश्चन भाई निकल रहा है, और सबसे पहली बात है कि ये जो हमारा क्लास है जिसमें कि हम लोग देखे थे 10 क्वेश्चन को, आज हम लोग करेंगे 11वां क्वेश्चन से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। चलिए क्वेश्चन 11 जो है वो क्या कह रहा है पढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं है, यानी कि ये चारों ऑप्शन में कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो एक रिसर्चर का जो है क्वालिटीज को नहीं रिप्रेजेंट करता है, ये आपको बताना है। नेगेटिव क्वेश्चन है ये। वह दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, ये बिल्कुल सही है, करता है, लेकिन ये क्वेश्चन के अनुसार गलत है। वह सचेत मन वाला होना चाहिए, बिल्कुल एक रिसर्चर को सचेत मन वाला होना चाहिए, तभी वे अच्छे अनुसंधान को आगा मतलब कि पहल करेगा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन के अनुसार गलत है। वह जांच में उत्सुक होना चाहिए, बिल्कुल अपने रिसर्च के लिए उसको क्या होना चाहिए, उत्सुक होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है। उसको अपने निर्णय को प्रमाणित करना अनिवार्य है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है एक रिसर्चर की ये गुणवत्ता नहीं है कि अपना जो निर्णय है, तो निर्णय अपना नहीं होता है। जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं तो वहाँ कई तरह के नियम और सिद्धांतों के पर आधारित होते हैं हमारे अनुसंधान, हमारे विभिन्न प्रकार के तथ्य, इसलिए उसके अनुसार ही हमें क्या करने पड़ते हैं, निर्णय पर आधारित होना पड़ता है, और उसी तरह से हमें उस रिसर्च को प्रमाणित करना होता है। तो ये जो है एक अच्छे शोधकर्ता की गुणवत्ता ये नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। कह रहा है कि अध्यात्म विज्ञान, जिसको कि हम मेटाफिजिक्स का क्या अर्थ है, मेटाफिजिक्स का क्या अर्थ है ये हम जानेंगे। क्या यह भौतिक विज्ञान का एक भाग है, नहीं, मेटाफिजिक्स भौतिक विज्ञान का एक भाग नहीं है। यह प्रकृति की परम वास्तविकता की खोज करता है, नहीं, यह धातुओं का भौतिक विज्ञान है, ये भी नहीं, यह मौसम का भौतिक विज्ञान है, बिल्कुल सही, ये क्या है, मेटाफिजिक्स जो है ये क्या होता है, मौसम का एक भौतिक विज्ञान माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनुसंधान की गुणवत्ता किससे आंकी जाती है, जब भी हम अनुसंधान की गुणवत्ता की बात करेंगे तो किससे आंकी जाती है, अनुसंधान की प्रासंगिकता से, नहीं भाई,
तो अनुसंधान की प्रासंगिकता यानी कि रेफरेंस से नहीं, अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति से, ठीक है। तो यहाँ देखिए अनुसंधान की जो क्वालिटी की बात है वो किससे आंकी जाती है, अनुसंधान कितनी गहराई पर कार्य कर रही है इस पर ज्यादा होगा, और शोधकर्ता के अनुभव से, ठीक है। तो ये सही है, देखिए चारों ऑप्शन एकदम सही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है ये गहराई वाली जो बात है ये सारे इसमें क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किसे एक ही समस्या के कई स्वतंत्र अध्ययन के परिणामों पर आधारित सांख्यिकीय आंकड़ों यानी कि स्टैटिक डेटा का मूल्यांकन करने की विधि को व्यवस्थित करने के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। फिर से इस क्वेश्चन को आप समझिए, कह रहा है कि किसे एक ही समस्या के कई स्वतंत्र अध्ययन के परिणामों पर आधारित स्टैटिक जो डेटा है उसका इवैल्यूएशन करने की विधि को व्यवस्थित करने के रूप में परिभाषित किया गया है, तो कारक विश्लेषण यानी कि फैक्टर एनालिसिस को, बिल्कुल फैक्टर एनालिसिस को हम इसमें शामिल करते हैं, मेटा विश्लेषण को, मेटा विश्लेषण को भी करते हैं, ठीक है, व्यवस्थित विश्लेषण को भी करते हैं। तो उपरोक्त में से जो है क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपका सबसे जो अच्छा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है। चलिए फिर से आपको अगर क्वेश्चन यहाँ देखे, स्टैटिक की बात हो रही है, जब भी हम स्टैटिक की बात करते हैं तो स्टैटिक में फैक्टर एनालिसिस या फिर मेटा एनालिसिस या फिर सिस्टमैटिक एनालिसिस, ये सारे चीजों की क्या होती है, एकदम जरूरत होती है, ठीक है। और साथ ही इसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें विभिन्न प्रकार के सांख्यिक आंकड़े यानी कि न्यूमेरिकल जो डेटा होते हैं उनको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो बेसिकली जो होते हैं ये सांख्यिकी आंकड़े जिसके लिए नंबर जो डेटा होता है उन पर डिपेंड होना पड़ता है, तो इसलिए तभी हम उसको, उसके फैक्टर्स को, उसके मेटा एनालिसिस को या फिर व्यवस्थित विश्लेषण को पर क्या कर पाएंगे, आधारित कर पाएंगे। तो इसलिए जब तक नंबर नहीं रहेगा तब तक ये तीनों फैक्टर नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए वैसी स्थिति में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक शोध अध्ययन की गुणवत्ता का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। तो एक शोध अध्ययन की जब हम गुणवत्ता की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, तो ये किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। पहला है प्रकाशन का स्थान, तो देखिए शोध अध्ययन की गुणवत्ता जो है उसका मूल्यांकन प्रकाशन की स्थान पर नहीं होता है, अनुशंसाओं को कार्यान्वित करने पर, बिल्कुल जो भी उस शोध से संबंधित जो स्टडी है उसके क्वालिटी की परख करके जब हम उसको इवेल्युएट करते हैं तो कई ऐसे अनुशंसाएं, कई ऐसे मानदंड उनके लिए क्या होते हैं, परिलक्षित होते हैं, तो ये सही होना चाहिए। जिस कठोरता से इसको लागू किया जाता है, नहीं कठोरता से नहीं लागू किया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये नहीं होगा, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह अपेक्षा की जाती है कि शोधकर्ता एक विस्तृत अध्ययन वाला व्यक्ति होगा, ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह अनुसंधान दूसरे अनुसंधान को जन्म देती है, तो बिल्कुल है कि इसमें एक अनुसंधान दूसरे अनुसंधान को जन्म तो देती ही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं वाली बात हो रही है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सभी शोधकर्ता वर्तमान ज्ञान की वृद्धि में योगदान देते हैं, देखिए सभी शोधकर्ता वर्तमान ज्ञान की वृद्धि में
योगदान जरूरी नहीं है कि वो करते ही हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। फिर अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति ही होता है, तो ये क्या है, जरूरी नहीं कि एक अच्छा शोधकर्ता जो है एक अच्छा व्यक्ति ये होता है, ये सही है, ठीक है। वो अपने क्षेत्र में अच्छा होता है, हो सकता है कि दूसरे शोध में उनकी उनका विचार जो हो वो दूसरा हो, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पत्र साहित्य में कौन सा अनुसंधानकार के प्रकाशन का विशेष रूप है, ठीक है। कौन सा पत्र साहित्य में से कौन सा अनुसंधानकार के प्रकाशन का विशेष रूप है, ये आपको बताना है, ठीक है। पत्रिका यानी मैगजीन नहीं, अनुसंधान के लिए क्या होना चाहिए, पुस्तकें होना चाहिए, क्योंकि कई पुस्तकें जब हम पढ़ते हैं तो हमारे साहित्य में जो है अनुसंधान कार्य को प्रकाशित करने में क्या मिलती है, मदद मिलती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य कौन से हैं, ठीक है। तो आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य कौन से हैं, ये हमें देखना है। ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति बनाए रखना, ये बिल्कुल सही है। फिर है नई चीजों की खोज करना, बिल्कुल अनुसंधान में हम नए तथ्यों नए चीजों की खोज करते हैं, और पूर्व लेखन पर आलोचना करना, नहीं आलोचना नहीं करते हैं। स्रोतों की गंभीर रूप से व्यवस्थित जांच एवं विश्लेषण करना, ये भी बिल्कुल सही है कि कोई भी सोर्स को हम गंभीर रूप से क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं और उनकी एनालाइज उनको करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4 किसमें है, तो ए नंबर ऑप्शन में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलेंगे हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिद्धांत को परिभाषित करने के संदर्भ में सत्य है, ठीक है। चलिए पहला है, अवधारणाओं और सिद्धांतों का एक संयोजित तरीका जिसका उद्देश्य एक विशेष घटना को समझना होता है। देखिए फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि कौन सा कथन जो है इनमें से सिद्धांत को परिभाषित करने के संदर्भ में सही है। तो जब भी हम सिद्धांत को परिभाषित करेंगे तो क्या इसके लिए कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल का एक कंबाइंड मेथड जो है जिसका उद्देश्य एक विशेष घटना को समझना होता है, नहीं, इनका उद्देश्य जो होता है वो कई घटनाओं को समझना होता है, कई तथ्यों को समझना होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर है, उन नए आंकड़ों का अस्थाई स्पष्टीकरण करना जिनका या तो समर्थन किया जाता है या नहीं किया जाता है, नहीं ये भी नहीं होगा कि उन नए आंकड़ों का अस्थाई स्पष्टीकरण की बात नहीं होती, जो भी स्पष्टीकरण होती है वो अस्थाई होती है। फिर है, अगले शोध के लिए उपयुक्त, हाँ ये सही है कि जो भी हम रिसर्च करते हैं तो उनमें जो भी मतलब कि सिद्धांत होते हैं या नियम होते हैं उनको परिभाषित करने के लिए हम ऐसा परिभाषित करते हैं कि उससे हमारा अगला शोध अगला रिसर्च क्या हो, उपयुक्त हो, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। फिर अप्रोच में से कोई नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलेंगे। कह रहा है कि अनुसंधान एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जा सकता है जिसने, ठीक है, तो कैसे व्यक्ति के द्वारा अनुसंधान आयोजित किया जा सकता है, तो अनुसंधान कार्य विधि का अध्ययन किया है, बिल्कुल सही है। फिर है, एक स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है,
तो देखिए अनुसंधान के लिए एक स्नातकोत्तर यानी पीजी वगैरह करना जरूरी नहीं है। अनुसंधान आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। रिसर्च आप किसी भी मतलब की योग्यता में कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी सोच तार्किक है तो आप कर सकते हैं। सोच और तर्क क्षमता रखता है, बिल्कुल ये सही है कि सोच और तर्क क्षमता वाले ही व्यक्ति ही अनुसंधान कर सकते हैं। एक परिश्रमी कार्यकर्ता हो, सही बात है। तो ये मतलब कि एक जो सटीक आंसर हम लोग चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा क्या हो, एक्टिव हो, हमेशा क्या हो, अपनी थिंकिंग को, अपने लॉजिक को कई मानदंडों पे रखे, कई नियमों पे रखे, कई सिद्धांतों पे रखे, कई निष्कर्षों पर रखे, ठीक है। जिसके कारण वो कारण और परिणाम संबंधित तथ्यों का जो है मूल्यांकन कर सके और हर पहलू पर उसका बार बार क्या कर सके, उस पर नई खोज कर सके, नए विचार जो है उसमें क्रिएट कर सके। तो ऐसा व्यक्ति, तो ये सारी चीजें जो अनुसंधान कार्यविधि की बात है या सोच या तर्क क्षमता वाली बात है, सब परिश्रमी, तो वो एक पहला क्या होना चाहिए, परिश्रमी कार्यकर्ता होना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से एक शोधकर्ता का विशिष्ट गुण क्या है। क्या एक शोधकर्ता को क्यूरियोसिटी होना चाहिए, ठीक है, मानिए सही बात है, एक मतलब पूरा एकदम क्यूरियोसिटी होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए, ठीक है। फिर है सक्रिय कल्पना करने वाला भी होना चाहिए, एक्टिव इमेजिनेशन करने वाला होना चाहिए, क्षमता यानी एबिलिटी होनी चाहिए और उपरोक्त सभी, तो ये सारे गुण होने चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो जब भी हम आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करते हैं, डेटा को जब हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो सिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं, निर्माण कहते हैं, यानी कि सिंथेसिस हो गया, ठीक, संश्लेषण। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से तर्क वितर्क के परिणाम को क्रम तरीके से प्रस्तुत किए जाने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ क्या कह रहा है कि तर्क वितर्क को, तर्क वितर्क कब होगा, जब उसका हम क्या करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे, उसका हम विश्लेषण यानी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि एक शोधकर्ता से सामान्यतया क्या अपेक्षित किया जाता है, एक शोधकर्ता से क्या अपेक्षित किया जाता है, ये देखेंगे। तो एक वर्तमान साहित्य क्षेत्र में अध्ययन करना, ये बिल्कुल सही है। ये नए सिद्धांतों और नियमों का सृजन करना, ये भी सही है। विभिन्न विचारों का संश्लेषण करना, ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। अब ये हमें तीनों में देखना है कि सबसे उपयुक्त आंसर क्या होगा। तो जब वर्तमान साहित्य क्षेत्र में अध्ययन करना, यानी कि प्रेजेंट लिटरेचर में क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या इनोवेशन हो रहा है, कौन से नियम और सिद्धांत बदल रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए, ये सारी बातें मूल रूप से कार्य करती है। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अंतः विषय अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण यानी कि होलिस्टिक अप्रोचेज रखना तो सही बात है कि अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए। दूसरा है अनुसंधान ज्ञान क्षेत्र में एक ही विषय पर बल देने के महत्व को कम करना,
तो बिल्कुल सही है कि अनुसंधान के क्षेत्र में एक ही क्षेत्र पर हम क्या करेंगे, जोर नहीं देंगे। फिर है अनुसंधान की समस्याओं को सहज बनाना, आसान बनाना, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। फिर है अनुसंधान कार्य प्रणाली के क्षेत्र में नई प्रवृत्ति तैयार करना। तो ये अब चारों में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो क्या होगा कि अनुसंधान का जो भी कार्य प्रणाली है, जो भी वर्क सिस्टम है, इनके फील्ड में जो भी नए प्रवृत्ति है, नई सोच है, नए इनोवेशन है, नए रिसर्च है, ये सारी बातों को हमेशा तैयार करेंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा, जिससे मतलब कि कहिए कि अनुसंधान के इसमें सारे दृष्टिकोणों पर हमें क्या करना होगा, कार्य करना होगा और हर प्रकार के ज्ञान क्षेत्र पर आधारित करना होगा, साथ ही कई प्रकार के समस्याओं को सहज बनाने पर आधारित करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अगर देखा जाए सारे कॉन्सेप्ट को, तो हम लोग क्या देखते हैं कि बी हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट आज हम लोगों ने यानी कि ये जो रिसर्च एप्टीट्यूड का ये क्लास का जो है दूसरा दिन यानी कि सेकेंड जो लेक्चर आपने देखा, जिसमें कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए गए, तो ये आज आपका बस हम लोग यहाँ तक करेंगे। आगे और भी डिस्कशन का क्लास जारी रहेगा रिसर्च का, ठीक है, और आपको हम पार्ट वाइज क्या करेंगे, सारे कंसेप्ट इसके बाद देते चले जाएंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो चलिए स्टूडेंट, आप सभी को जरूर है कि कल फिर हमारे वीडियो का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं आप सभी से फिर नेक्स्ट कल यानी कि अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।